हेलो गाइज, आप देख रहे हैं जिस टेक्निकल और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइज, ये है 11 मैग्नेटिक कीबोर्ड और आज इस कीबोर्ड के बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या इस कीबोर्ड को आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले इस कीबोर्ड को खरीदने के आपको दो बेनिफिट मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं इस कीबोर्ड को आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कीबोर्ड जो है वो आपको यूजफुल होने वाला है या नहीं। सबसे पहला और बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर ये कीबोर्ड आप ले लेते हैं तो आपका जो टैब है उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो टैब है इसका भी मार्केट में कोई भी बैक कवर अवेलेबल नहीं है और ना ही आपको जो है वो टेम्पर ग्लास कहीं पर भी मिलेगा। तो ऐसे में अगर ये टैब आपके हाथ से गिर जाता है तो इसके टूटने के पूरे चांसेस है, या तो इसका ग्लास ब्रेक हो जाएगा, डिस्प्ले टूट जाएगा, या तो फिर हो सकता है कि पीछे का जो बैक पैनल है वो टूट जाए। और इसके साथ ही मैं आपको डिस्प्ले के बारे में और एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो डिस्प्ले का ग्लास है इसके प्रोटेक्शन के बारे में कंपनी ने कोई भी इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है। इस ग्लास के बारे में कुछ भी यहाँ पे डिटेल जो है वो बताया गया नहीं है। इसके ऊपर स्क्रैच आ सकता है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि अगर इस कीबोर्ड को आप ले लेते हैं, ये जो कीबोर्ड है ये कीबोर्ड का भी काम करेगा, साथ ही साथ ये केस का भी काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टैब है इसके अंदर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, और अगर ये आपके हाथ से गिर जाता है तो टूटने के चांसेस बहुत ही कम है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको दूसरा बेनिफिट भी बता देता हूँ, इस कीबोर्ड को अगर आप ले लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको लगाने के बाद ये टैब से कन्वर्ट होकर लैपटॉप बन जाता है। और ये जो कीबोर्ड है ये काफ़ी यूज़फुल होगा अगर आप ऑफिस के लिए लेते हैं, ऑफिस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, आप कंटिन्यू अगर नॉनस्टॉप सर्फिंग वगैरह करते हैं तो भी ये काफ़ी यूज़फुल होगा, और स्टडी के लिए भी ये यूज़फुल होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूँ, वो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मुझे सही नहीं लगा। इस कीबोर्ड को आप जब भी अपने टैब के साथ लगाएंगे तो एक फंक्शन यहाँ पे बंद हो जाता है, ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी, इसके बारे में ब्रांड को थोड़ा सा सोचना चाहिए था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी चीज़ है, क्या फंक्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पे आप जो है OTG केबल लगा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ जो है इसके जरिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी इस टैब को आप इस कीबोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये जो OTG केबल का फंक्शन है वो बंद हो जाता है, पावर सप्लाई आना बंद हो जाता है, OTG केबल नहीं चलेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको बार बार जो है वो टैब निकालना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप डेटा ट्रांसफ़र जब कर लोगे या फिर कुछ फाइल्स वगैरह जो है वो आप सेंड कर दोगे, उसके बाद वापस से इसमें आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग जो है वो लैपटॉप में माउस पैड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अलग से एक माउस लगाते हैं USB वाला। तो यहाँ पे इसको आपने कन्वर्ट कर दिया, लैपटॉप तो बना दिया, अब आप OTG केबल में माउस लगाओगे तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन अगर चालू होता तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है वो आपको नहीं आती, माउस भी अच्छे से चलता, आप डेटा ट्रांसफ़र भी कर पाते हैं, और लैपटॉप का जो एक्सपीरियंस जो यहाँ पे आपको मिलता है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है। यहाँ पे अभी जो लैपटॉप का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो पूरा नहीं मिलेगा, आधा अधूरा मिलेगा, क्योंकि जब कभी भी अगर आप डेटा ट्रांसफ़र करना चाहोगे या फिर माउस लगाना चाहोगे तो इस टैब को जो है वो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे ब्रांड को पहले ही देख लेना चाहिए था, लेकिन अभी जो है इसका कोई भी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ये जो प्रॉब्लम है वो अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे सॉल्व हो सके। आगे देखना होगा फ्यूचर में क्या इसमें कुछ अपडेट आता है या फिर ये जो प्रोडक्ट है उसमें ये जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होती है या नहीं होती है। अब बात करेंगे गाइस इसकी क्वालिटी के बारे में, इसका जो मटेरियल है, इसका जो फिनिश है वो कैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, कीबोर्ड की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, प्लस ये जो केस है केसिंग की भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। और इसका पूरा अगर आप मटेरियल देखेंगे तो रबराइज फिनिश के साथ ये आपको देखने को मिलेगा, ग्रे कलर का है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे यहाँ पे जो है वो काफ़ी अच्छी लगी। और कीबोर्ड की जो स्विच वगैरह है वो भी काफ़ी स्मूथ है, और इसका जो माउस पैड है, ट्रैक पैड है, वो भी काफ़ी अच्छे से काम कर लेता है। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ की कमी है वो मैं आपको बता देता हूँ, कीबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो प्रिंट है ये नॉर्मल प्रिंट है, इसके ऊपर लैमिनेशन किया गया नहीं है। अगर लैमिनेशन होता तो इसकी जो लाइफ है प्रिंट की वो बढ़ जाती। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पे लैमिनेशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो ये लाइफ टाइम भी चल सकता है, लेकिन वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। फिलहाल जो मेरे ओपिनियन थे वो मैंने आपको बता दिए इस कीबोर्ड के बारे में। अब यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से डिसाइड कर सकते हो ये कीबोर्ड जो है वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं आपको मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए गैजेट्स टेक्निकल।